हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम पटना वुमेंस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। यहाँ पे बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है एंड ये बिहार में पहला इंस्टीट्यूशन है जो कि वुमेन के लिए स्टार्ट हुआ था फॉर हायर एजुकेशन। सो काफ़ी पुराना कॉलेज है, लगभग 80 साल पुराना। सो अगर आप पटना वुमेंस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाए। यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइंस क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू द एलिजिबिलिटी, कोर्स लिस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ इंस्टीट्यूशन के बारे में। बेसिकली यहाँ पे जो आपका एडमिशन गाइडलाइंस है, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा यहाँ पे स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए है। सो सबसे पहली चीज़, आपको ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है यहाँ पे, जो भी यूजी या पीजी लेवल का डिग्री कोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, अपीयरिंग स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। लाइक अगर आप अंडर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो 12th में अभी आप हो, 12th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर आप मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ग्रेजुएशन में अभी आप हो, लास्ट ईयर में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है यहाँ पे, लेकिन आपको एडमिट कार्ड अपलोड करना होता है। ठीक है, जो पास आउट स्टूडेंट है उनको तो यहाँ पे बेसिकली मार्कशीट अपलोड करनी होती है, बट अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट हो तो आप एडमिट कार्ड अपलोड करोगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है। तो आपका जो ड्रेस कोड है उसमें आपको सलवार कमीज़ वेयर करना है, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, सिंपल एंड मॉडर्स्ट सलवार कमीज़ होना चाहिए, नेट मटेरियल में ना हो, ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, सो ये आपका ड्रेस कोड है। और जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ होने चाहिए, वन ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी देयर विद यू जब आप एडमिशन के लिए जाते हो। एंड यहाँ पे कंपार्टमेंट वाले एलिजिबल नहीं है एडमिशन के लिए। हो सकता है आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दो, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जाओगे पटना वुमेंस कॉलेज में तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो अगर आपका कंपार्टमेंट आया है डेफिनेटली आप फॉर्म मत भरिएगा। एंड आपको कुछ यू नो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप ऑनलाइन मोड में भरोगे उसका प्रिंट आउट, लाइक आपका जो रिसिप्ट होता है वो ले जाना है, एडमिट कार्ड, क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है उसका मार्कशीट होना चाहिए। लाइक अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो 12th की मार्कशीट, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो अंडर ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ले जाना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आपको मैंने गाइडलाइंस बताया है एडमिशन के लिए, ये सारे आपको फॉलो करने हैं सो दैट आप एडमिशन ले पाओ। एडमिशन से पहले आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने हैं सभी यूजी एंड पीजी लेवल के डिग्री कोर्सेज के लिए, जो भी आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे क्या क्या कोर्सेज है यहाँ पे। पहला कोर्स है AMM ऑनर्स, दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये एक ऑनर्स लेवल का कोर्स है जिसके लिए आप 12th पास या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए। 12th के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो भी आप एलिजिबल हो। 12th में कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं मांगा जा रहा है, तो किसी भी स्ट्रीम से आप पास आउट हो चुके हैं या अपीयरिंग स्टूडेंट है, आप एलिजिबल हो। ठीक है, सो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका 25th जून को कंडक्ट होगा एंड टाइमिंग भी यहाँ पे दी गई है 11 AM टू 1 PM, 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होना है। सो नेक्स्ट जो कोर्स है वो है BCA, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। एंड इसके लिए 12th में आपके मैथ्स होना कंपलसरी है। आप कोई भी स्ट्रीम आपका 12th में है, अगर मैथ सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, 3 साल का ये कोर्स होगा, 25th जून को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट है CEMS, दैट इज कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज़। ये भी ऑनर्स लेवल का कोर्स है, इसके लिए भी आप 12th पास या फिर अपीयरिंग स्टूडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है BBA, अगर आप बिजनेस एंड मैनेजमेंट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप BBA कर सकते हैं, जो कि 3 साल का कोर्स है। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके 12th में बायोलॉजी होना कंपलसरी है। ठीक है, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी ये कोर्स है। उसके बाद है BMC, दैट इज बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर आप जर्नलिज्म, मास मीडिया में जाना चाहते हैं तो इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, तो BMC कोर्स करने के लिए आप 12th में किसी भी स्ट्रीम से पास आउट कर चुके हैं या अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है BCom ऑनर्स, ये सेल्फ फिनांस्ड है। सो 12th आपने आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से किया है, आप कर सकते हैं। 27th को इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद है BSc मेन स्ट्रीम जो कोर्स है, उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 28th जून को कंडक्ट होगा। इसके लिए सिर्फ 12th साइंस स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA, जो कि AICTE अप्रूव्ड है, मास्टर डिग्री कोर्स है ये, जिसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया है BCA, BSc, CS
ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन आपने मैथ सब्जेक्ट से किया है, या एक साल का आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीए मेन स्ट्रीम का जो कोर्स है उसके लिए कोई स्ट्रीम रिक्वायर्ड नहीं है, 29th को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है। उसके बाद है पीजी डिप्लोमा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम से तो आप ये जो कोर्स देख रहे हैं आप ये कर सकते हैं। तो एक साल का ये कोर्स है, कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको इसके लिए नहीं देना है। ठीक है, एंड एमए इन होम साइंस के लिए भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, इसके लिए आप बीए कर चुके हैं, बीएससी ऑनर्स कर चुके हैं होम साइंस में, या फिर बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, या फिर बीए बीएससी बीकॉम कर चुके हैं, डिप्लोमा किया है आपने इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स या होम साइंस में, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है एमए इन होम साइंस के लिए। दो साल का ये कोर्स है, इसके लिए भी कोई एंट्रेंस आपको नहीं देना है। देन वी हैव एमए इन जियोग्राफी, इसके लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। बीए बीएससी ऑनर्स इन जियोग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस और जियोग्राफी, अगर आपने ये ग्रेजुएशन भी किया है तो आप एमए इन जियोग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी दो साल का पीजी लेवल का डिग्री कोर्स है। एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए आप बीए बीएससी साइकोलॉजी में किया है आपने, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई एंट्रेंस यहाँ पर भी आपका नहीं होगा। एमएससी इन जियोलॉजी के लिए आपको कोई एंट्रेंस नहीं देना है, बट यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आपने बीएससी ऑनर्स इन जियोलॉजी किया है। इसके अलावा बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री और जियोलॉजी। ठीक है, इनमें से कोई भी आपने डिग्री किया है बीएससी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमए इन सोशल वर्क के लिए, एमएसडब्ल्यू के लिए आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री किया है मिनिमम 45% के साथ आप एलिजिबल हो। एमएससी फिजिक्स करने के लिए आपने ग्रेजुएशन में ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी में से कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, कोई भी स्ट्रीम जो यहाँ पे मेंशन किया गया है इनमें से कोई भी आपने ऑप्ट किया है तो आप एलिजिबल हो। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी आप देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री अगर आपने लाइफ साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से किया है, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री से किया है, आप एलिजिबल हो। सो बेसिकली यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 45% 12th में होने चाहिए अगर आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, बीसी वन या बीसी सेकेंड ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, तो आपके 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए। यहाँ पे बीए एंड बीएससी के लिए जो कि ऑनर्स कोर्स है उसके लिए अप्लाई करने के लिए भी यहाँ पे 45% होने चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स एज अ कोर्स लेना चाहते हैं तो 12th में मास होना कंपलसरी है। बीकॉम कोर्स के लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्ट्रीम से है, लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपके 12th में कम से कम 45% होने चाहिए, और अगर आप आर्ट्स एंड साइंस से हैं और आप बीकॉम करना चाहते हैं तो उसके लिए 12th में कम से कम 50% होने चाहिए। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है यहाँ पे, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसके लिए आपको ऑफलाइन सेंटर पे जाना है, वहाँ पे पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन देना होगा जिसके लिए आपको ओएमआर शीट मिलेगी। ठीक है, सो टोटल 100 क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, प्रॉपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें 2 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं किसी भी कोर्स के लिए। सो अब हम आपको बता देते हैं पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपको किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो बीएससी के लिए आपका जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे, एंड बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आपको चॉइस मिली है, आप या तो बायोलॉजी ले लो या फिर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ले लो। ठीक है, बीए के लिए जीके एंड एप्टीट्यूड टेस्ट से टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे, और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपका 75 क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से आपका सभी कोर्स के लिए आप देख सकते हैं, सीएमएस में जनरल इंग्लिश में 75 क्वेश्चंस होंगे, और मीडिया और प्रेसेस राइटिंग बेस्ड ऑन पिक्चर में आपका 25 क्वेश्चन होगा। बीसीए में जनरल इंग्लिश या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जीके या जीएस होगा। ठीक है, इन सभी में आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। बीबीए में भी सेम आप देख सकते हैं, सीएमएस में इंग्लिश में 75 क्वेश्चंस होंगे, और मीडिया और प्रेसेस राइटिंग बेस्ड ऑन पिक्चर में 25 क्वेश्चन। बीसीए में आप देख सकते हैं जीके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके जीएस में 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बीबीए में भी आपका सेम है, यहाँ पे आपका रीजनिंग भी होगा एंड इकोनॉमिक्स भी होगा। ठीक है,
बीएमसी में आपका जनरल इंग्लिश, जीके करंट अफेयर्स, एएमएम में आपका भी वही है, जीके वगैरह, रीजनिंग एंड जनरल स्टडीज़, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। एमबीआईओ में आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, बायोलॉजी, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी इनमें से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। एमसीए के लिए आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट रिलेटेड 75 क्वेश्चंस, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल कोर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सभी के लिए आपको 1100 रुपीज़ पे करनी है, बट अगर आप एमए होम साइंस से करना चाहते हैं तो उसके लिए 300 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होगी, नहीं भी क्लियर हुआ है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आपकी एप्लीकेशन 1 मई से स्टार्ट होगी, 31 मई 2022 लास्ट डेट है। सो अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं होगी, तो 1 मई से ही आपकी एप्लीकेशन जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। एंड क्लास 12th के बाद कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं फॉर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, उसके लिए एक प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, उसे एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आप जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।